फ्रांस में लोगों को कैसे प्रॉब्लम हुआ है ना, वो कैसे शॉर्टेज हो गए, आपने इस बॉक्स को देखा है, उसको समझा है। इसके बाद जो टॉपिक है ये ग्रोविंग मरीन क्लास, ये ग्रोविंग ये ग्रोविंग मरीन क्लास लीकेज एंड टू प्रिविलेज एंड लीकेज एंड टू प्रिविलेज, इसका मीनिंग क्या होता है? ये ग्रोविंग मरीन क्लास क्या होता है इसको जानना होता है। मेन सोसाइटी को थे वो कितने स्टेट में बटे हुए थे, तीन बटे हुए थे, और स्टेट को लिखते है ना। Yes, sir. तो इन लोगों को अच्छा लगता था।
एंड कर दिए जाए, क्या कर दी जाए, एंड कर दी जाए, समाप्त कर दिए जाए, स्टेबलाइज कर दिए जाए। तो ये कैसे पॉसिबल था? वो दोनों ये लोग रिच थे क्या, ज्यादा रिच थे क्या? जब इन लोग, ये लोग जो ऊपर वाले सेक्शन दिख रहा है, यस सर, इन लोगों का जो सपोर्ट मिलता है क्या होता है, सपोर्ट, इनको सपोर्ट करते हैं। इन लोग जब आगे आ जाते हैं कि नहीं, अब जो टैक्स है, जो थर्ड इश्यू पे लगता है, उसको देना नहीं है, उसको क्या करना है, देना नहीं है, समझ रहे कि yes, नहीं करना है। तो इन लोग जो है पीजेन को, आरटीसीएल को अपने सपोर्ट भी लेते हैं, किस भी लेते हैं, सपोर्ट में, और सोसाइटी में जो है एक तरह से चेंजेस ला देते हैं, क्या ला देते हैं, समझ रहे कि नहीं, yes, sir। तो इन लोगों को करना है कि यूनियन सेक्रेटरी का रूल जो है सोसाइटी में जो टैक्स वगैरह देना पड़ता है, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको किसी भी तरह से खत्म करना है, क्या करना है, खत्म करना है, एवोलाइज करना है। तो ये सिस्टम कैसे खत्म होंगे, कैसे एवोलाइज होंगे, समझ रहे कि नहीं, yes, sir। इसको देखने के लिए ये टॉपिक दिए गए हैं, ये ग्रोविंग मिडिल क्लास, समझ पा रहे हैं, यस सर। ग्रोविंग मिडिल क्लास कौन होते हैं बाबू, बीच वाले, ये जो देख रहे हैं ना, यस सर, इसी का नाम दिया गया है ग्रोविंग मिडिल क्लास। समझ पाए ये ग्रोविंग मिडिल क्लास कौन बनते हैं आगे, यस सर, देख लीजिए सर, बनते हैं ना, यस सर। तो इन लोग सोचते हैं कि अब जो है सोसाइटी में चेंजिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, चेंजिंग, इसी को बोलते हैं ये ग्रोविंग मिडिल क्लास, समझ पाए, यस सर। आपका जो थर्ड स्टेट में जो थ्री सेक्शन जो दिए गए हैं, उनमें से जो ऊपर अपर सेक्शन जो दिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे बाबू, ये ग्रोविंग मिडिल क्लास। अब देखो ये ग्रोविंग मिडिल क्लास जो है, ये समझ पाए क्या चीज है इसको, यस सर, इसको अंडरस्टैंडिंग कर पाए, यस सर। अब देखो इन विशेष, इसका मतलब क्या होता है, इमेजिन करता है, क्या करता है, इमेजिन, क्या होता है बाबू, इमेजिन करता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इमेजिन करता है, ये ना इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना करता है, क्या करता है, कल्पना करता है, समझ रहे कि नहीं, समझ लो कि अभी जो है रात हो गया है, क्या हो गया है, रात हो गया है, तो ये आपका रियल है, सोच ये आपका जो थिंकिंग है वो रियल है क्या, नो सर, ये आपका इमेजिन हो गया, क्या हो गया, इमेजिन, कल्पना हो गया। सपोज यहाँ पे जो है बहुत सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन बन गया है, क्या बन गया है, गार्डन ब्यूटीफुल बन गया, तो क्या सचमुच वैसा दिखता है क्या, नो सर। आप इस तरह का जो थिंकिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इमेजिन, क्या बोलते हैं, कौन इमेजिन करते हैं, कौन इमेजिन करते हैं, ये ग्रोविंग मिडिल क्लास। और ये ग्रोविंग मिडिल क्लास का मीनिंग क्या होता है समझ रहे हैं, इनको आप जानते हैं, जानते तो मानेंगे ना इनको, ये क्या इमेजिन करते हैं बाबू, एंड अब नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं, अब नहीं, एंड टू थ्री विलेज क्या होता है, स्पेशल राइट्स क्या होते हैं, स्पेशल राइट्स, इन्हीं को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे, yes, तो वो ठीक है क्या, नो सर, जरा सोचो, अच्छा बात है, no, सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, yes, या नहीं, sir। चाहिए, no, आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यू एग्री, यू एग्री विद मी, यस सर। देखो ये विलेज क्या है, इसका मतलब होता है स्पेशल समझ रहे कि नहीं, यस सर, ठीक है, मैक्सिमम राइट्स क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम राइट्स,
इमेजिन करते हैं कि अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, मतलब इमेजिन करते हैं कि इन लोगों को जो स्पेशल राइट मिल रहे हैं, किनको स्पेशल राइट मिले हो, इनको मिले हैं, मिले हैं ना, यस सर, इनको मिले हैं, यस सर, तो ये कहते हैं अब बहुत हो गया, अब क्या हो गया, बहुत हो गया, अब बिल्कुल इन लोगों को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, है ना, यस सर, प्रिविलेज मिलने नहीं चाहिए, हम लोगों को राइट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ ये दोनों स्टेट को स्पेशल राइट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज मिलते हैं, है ना, हम लोग अब जो है अब क्या करते हैं, इमेजिन करेंगे, इमेजिन करेंगे, सोचते हैं, यस सर, जब सोचेंगे तब कोई काम होता है, क्या आप इसको मानते हैं, कोई काम करने के पहले आपको इमेजिन करने पड़ेंगे कि नहीं, यस सर, सोचने पड़ेंगे कि नहीं, यस सर, क्या इसका मतलब होता है, अपना ड्रीम को ऊपर दिखना चाहिए, बड़ा सपना दिखना चाहिए, सपने को छोटा नहीं दिखना चाहिए, क्या समझते हैं, अगर आपका ड्रीम जो है थिंकिंग ऊपर होगा, हाई लेवल का होगा, तो आप हाई लेवल तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, हाई लेवल तक पहुंचेंगे, और अगर छोटा सोच रखेंगे, क्या रखेंगे, छोटा सोच मतलब लो थिंकिंग रखेंगे, तो आप ज्यादा अपग्रेड नहीं हो पाएंगे, ऊपर तक पहुंच पाएंगे क्या, नो सर, बड़ा बनने के लिए बड़ा सपना सोचना चाहिए, yes, समझ रहे कि नहीं, yes, बड़े काम करने के लिए बड़ा थिंकिंग रखना चाहिए, समझ रहे कि नहीं, yes, बड़ा थिंकिंग उसका मतलब होता है हाई थिंकिंग होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं, yes, तो ये है इस टॉपिक का मीनिंग, क्या है इस टॉपिक का मीनिंग, समझ पा रहे हैं, yes, इस टॉपिक का मीनिंग है जो ये जो सेक्शन वाले हैं, बिग बिजनेस में मर्चेंट लॉयर्स कोर्ट ऑफिशियल, जिनको ये ग्रोविंग मिडिल क्लास करते हैं, ये ग्रोविंग मिडिल क्लास इमेजिन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, yes. जो प्रिविलेज मिले हुए हैं, yes, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को मिले हुए हैं, अब एंड हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, अब देखेंगे किस प्रकार से इमेजिन करते हैं, अब देखेंगे कि किस प्रकार से इमेजिन करते हैं, चलिए इसको आप लिखिए, यस सर, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ये यार क्या सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, यस सर, सिचुएशन क्या दिख रही है आपको, दिख रहा है ना, यस सर, अब क्या है बाबू, देखो ये जो आपके पास जो टू सेक्शन जो दिख रहे हैं, इन लोग तो चाहते थे, इन लोग तो चाहते थे, क्या चाहते थे, ये ना, ये जो पार्टिसिपेटर थे पहले, जब ये ग्रोविंग मिडिल क्लास नहीं बने हुए थे ना, yes, उसके पहले जो नीचे वाले दो सेक्शन दिख रहे हैं, yes, इन लोग लड़ाई करते थे, रिवोल्ट करते थे, फाइटिंग करते थे, किनके खिलाफ करते थे बाबू, ये जो सोसाइटी का जो सिस्टम है ना, जो लुई सिक्किंग है, उनके अगेंस्ट में फाइटिंग करते थे, yes, लेकिन देखो कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, प्रॉब्लम्स क्या है बाबू, इन लोगों के पास जो रिसोर्सेस हैं, मीन्स है, क्या है, मीन्स, रिसोर्सेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स, क्या हो जाएंगे, मीन्स, मनी, मनी, समझ रहे कि नहीं, पैसे लोगों के पास ज्यादा थे क्या, तो विदाउट मनी, विदाउट मीन्स आप आई थिंक अच्छे से कर लोगे, क्यों नहीं कर पाओगे बाबू, क्योंकि सर हथियार नहीं रहेगा, आई थिंक करने के लिए बहुत से सामान वेपन चाहिए कि नहीं, गन चाहिए है ना, एट बॉम्ब चाहिए है ना, आर्म्स चाहिए, वेपन चाहिए, हथियार चाहिए, तब क्या ये विदाउट मनी आपके पास आ जाएंगे, विदाउट मीन्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, आप इसे एक्सेस कर लेंगे, तो इन लोगों के पास लैक मीन्स था, क्या था बाबू, लैक मीन्स मतलब संसाधन का अभाव था, इन लोगों के पास क्या था, संसाधन का अभाव, ठीक है ना, मीन्स का लैक था, क्या था, इसका लैक था, इसका लैक था, है ना, yes, मतलब
अभाव था इसमें, क्या था? समझ रहे कि नहीं? आप कह सकते हैं नो मनी, क्या कह सकते हैं? नो मनी, ठीक है। देखिए शॉर्टेज ऑफ मनी क्या कह सकते हैं? शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ मनी। समझ पाए क्या यहाँ बोलना चाह रहा है? समझ रहे कि नहीं? शॉर्टेज ऑफ मनी जब रहेंगे दोनों के पास पाओ तो थोड़ा लड़ लिए, फाइटिंग कर लिए, रिवोल्ट कर लिए, और उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएंगे, क्या जीत जाएंगे? विनिंग कर सकते हैं? नो नो सर, क्यों नहीं कर सकते? समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा मोड़ा फाइटिंग करोगे, रिवोल्ट करोगे तो उससे आपको जीत नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? जीतने के लिए फाइटिंग भी चाहिए, साथ साथ मीन्स भी चाहिए, रिसोर्सेस भी चाहिए, क्या चाहिए? रिसोर्सेस, मनी भी चाहिए, मनी। उसके पास शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ये दोनों लड़ते थे, पार्टिसिपेट करते थे रिवोल्ट में, yes, लेकिन जीत पाते थे? नो सर। क्या कारण है बाबू? शॉर्टेज ऑफ मनी, मनी। हाँ, लैक ऑफ मीन्स, क्या थे इनके पास? लैक ऑफ मीन्स थे। क्लियर है? जी मनी का हाँ। कब फाइटिंग करने चाहिए? कब? कब रिवोल्ट करने चाहिए? समझ रहे कि नहीं? इनका प्रोग्राम बना हुआ नहीं था, रूटीन बना हुआ नहीं था, प्लानिंग नहीं था। देखो बाबू, अगर विदाउट प्लानिंग कोई वर्क करेंगे तो क्या आपको लगते हैं कि आप सक्सेस पा जाएंगे? नो सर। कोई भी वर्क करने के पहले प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, जब एग्जाम देने आती हो तो उनका प्रोग्राम बनता है कि नहीं? आज मंडे का कौन सा एग्जाम होगा, वेडनेसडे को कौन सा पेपर होगा, प्रोग्राम पहले से बनता है ना? प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक प्लानिंग होता है। क्या होता है? प्लानिंग। तो इन लोगों के पास रिवोल्ट करने का कोई प्लानिंग था? कोई प्रोग्राम था? तो देखो बाबू, इनके पास जो प्रॉब्लम क्या थे कि कोई प्रोग्राम नहीं था। क्या नहीं था? प्रोग्राम। यहाँ लिखे नो प्रोग्राम, क्या नहीं था इनके पास? समझ पा रहे? आपके पास कोई प्लानिंग नहीं रहेगा तो आप रिवोल्ट में जीत नहीं पाएंगे। समझ रहे कि नहीं? क्लियर है? आप पढ़ने आते हैं बाबू, एक दिन पढ़ ले और चार दिन घर में बैठ रहे, तो क्या आपका जो एजुकेशन है सक्सेस माना जाएगा? नो सर। आप पूरा समझ जाएंगे? नो सर। तो उसमें एक प्लानिंग होता है, कब कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कब कौन से अगला पढ़ना चाहिए, है ना? तो ये इन लोगों के पास प्रोग्राम नहीं थे, प्लान नहीं थे। क्या रहे थे? नो प्रोग्राम, नो प्लानिंग। क्या कह सकते हैं? चलो देगा नहीं तो अब समझ जाओगे नो प्लानिंग। इसके चलते से इस सक्सेस नहीं। समझ रहे कि नहीं? यस सर। तो इन लोग तो रिवोल्ट करते थे लेकिन प्रॉब्लम्स क्या थे बाबू? सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे थे? मींस का प्रॉब्लम। और कुछ है? और कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ, उनके पास प्लानिंग नहीं थे रिवोल्ट करने की। समझ रहे कि नहीं? yes, तो दो चीजें का यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है ना? yes, अगर ये दोनों चीजें इनके पास रहती तो रिवोल्ट में विनर बनते कि नहीं? yes, तो विनर बनते कि नहीं? yes, सक्सेसफुल होते कि नहीं? yes, अब क्या हो गया बाबू? तो ये प्रिविलेज खत्म हो गए क्या? जो स्पेशल राइट मिल रहे थे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को, क्या एंड हो गए क्या? नो सर। इसको एंड करने के लिए, इनको एंड करने के लिए कौन कौन रिवोल्ट कर रहे थे पहले से? थर्ड स्टेट, सेकेंड और ये दोनों रिवोल्ट करते थे लेकिन इसको एंड कर लिए थे क्या? इस चीज को डिमेरिट को एंडिंग कर दिए थे, क्यों नहीं कर पाए थे? रिजल्ट देख रहे ना? सर। ये टू पॉइंट के चलते से ये प्रिविलेज जो
सोसाइटी में, किसमें? सोसाइटी में वो एंडिंग नहीं हो पा रहा था, क्या नहीं हो पा रहा था? खत्म। तो कॉल करेंगे हम, इन लोग को प्रैक्टिस कर रहे, ट्राई कर रहे, हो रहा है अब इनके पास मनी है बाबू, इनके पास मनी है। यस सर। देखो अच्छा से। यस सर। रिसोर्सेस है इनके पास। यस सर। तो थोड़ा सा एजुकेटेड भी है क्या? यस सर। लिखने पढ़ने जानते हैं क्या? यस सर। अंदर स्टैंडिंग भी है इनके पास। यस सर। तो तुम लोग कोई वर्क करेंगे? यस। तुम लोग कोई वर्क करेंगे, काम करेंगे, कोई रिवोल्ट करेंगे, फाइट करेंगे, तो प्रोग्राम बनाएंगे कि नहीं? यस सर। कब लड़ना है? कब लड़ना है? और कितने मनी का उसमें नीड होगा, है ना, जरूरत पड़ेंगे? तो इनके पास था, ये लोग ठीक रहे ना, इसको न्यू मिडिल क्लास कहते हैं। इनके पास देखो मींस भी थे, रिसोर्सेस भी थे, मनी भी थे, और इनके पास प्रोग्राम भी था अपना, समझ पाए? यस सर। तो इन लोग जो इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो प्रिविलेज है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, अब इसको एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। तो बता दीजिए इस लड़ाई में इन लोग तो पहले से लड़ाई लड़ रहे थे। यस सर। प्रिविलेज को एंड करने के लिए। यस। अब कौन आ गए? फर्स्ट बिग बिजनेसमैन आ गए कि नहीं? यस सर। ये न्यू मिडिल क्लास आ गए कि नहीं? यस सर। तो बता दीजिए ये काम थोड़ा इजी दिखता है? यस सर। प्रिविलेज होने में को एंड करने में थोड़ा इजी दिखता है? यस सर। तो अब देखो बाबू ये काम कौन करेंगे एंड? ये किसके काम में आ गया एंड करने? बस स्टेशन ये ना। यस सर। और ये स्टेट के जो जो सेक्शन ये है उस पर ये लेफ्ट हो गया है ये वर्क, है ना? यस सर। और यही करेंगे एंड प्रिविलेज को, क्लियर है? यस सर। इसलिए ये जो न्यू मिडिल क्लास में अब देख रहे हैं कि ये प्रिविलेज एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस पूछते हैं क्या था सर? यस। रिच थे, रिच। और रिच थे जो प्रॉस्पेरस होते हैं ना उसको बोलते हैं रिच। क्या बोलते हैं? आर आई सी एच। समझ पाए? यस। अगर आप रिच रहेंगे तो क्या कहलाएंगे? प्रॉस्पेरस। क्या कहलाएंगे? प्रॉस्पेरस। तो इधर थोड़ा सा क्लीन कर दे। यस सर। अब थोड़ा सा इधर क्लीन करते हैं फिर आगे देखेंगे। समझ पा रहे? यस। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या हो गया? रिच। इसका मीनिंग क्या होते हैं? रिच। तो वो रिच होंगे उनके पास मींस का शॉर्टेज होगा क्या मालूम? हां सर। तो इनके पास दोनों चीजें थी, समझ रहे कि नहीं? yes. इनके पास कितने कितने चीजें थी? दो चीज। एक और एक मतलब इनके पास मींस भी थे, प्रोग्राम और प्रोग्राम भी थे। yes. तो जो यहाँ पे कमी था, इन लोगों के पास जो कमी थे, जो इन लोगों के पास जो चीजें नहीं थी, है ना, जो चीजें कमी थी वो भी इनके पास है। yes. उनके पास है। यस सर। तो क्या समझते हैं? कुछ इजी दिखता है। यस सर। प्रिविलेज एंड हो जाएंगे। यस सर। इसको आप थोड़ा सा उतार लीजिए, बोर्ड को क्लीन करेंगे। न्यू मिडिल क्लास यस सर। ये रीच हुए कैसे? ये रीच हुए कैसे? ये प्रोस्पेरस हुए कैसे? कैसे ये अमीर हुए कैसे? कैसे इस चीज को देखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। हेलो, क्या लिख देते हैं? हाउ। क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन, हाउ डिड न्यू मिडिल क्लास, हाउ डिड न्यू मिडिल क्लास बिकम्स, हो गया ना? बिकम्स Prosperous. P R O S
तो लिखिए ये कैसे हुए। ये होने के पीछे कुछ तो रीजन होंगे कि नहीं, तो यहाँ लिखते हैं इसका आंसर खोजने के लिए, क्या करता हूँ समझ रहे कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोस्पेरस का मीनिंग होता क्या है, समझे कि नहीं। प्रोस्पेरस का मीनिंग रिच होता है। यस आप यहाँ लिखिए न्यू मिडिल क्लास, क्या करेंगे न्यू मिडिल क्लास कैसे रिच हुए उसको देखो। न्यू मिडिल न्यू मिडिल क्लास लिख दिया हो, ये कैसे रीच हुए देखो। थ्रू आवर सी ट्रेड, थ्रू आवर सी ट्रेड ट्रेड देखो हम लिखते हैं थ्रू सी ट्रेड आवर सी ट्रेड का मीनिंग क्या हो जाएगा मामू। थ्रू आवर सी ट्रेड का मीनिंग क्या हो जाएगा देखो, थ्रू आवर सी ट्रेड का मीनिंग हो जाएगा देखो। और वो रूट जो ओशियन रूट है सागर महासागर जो है, समझ रहे कि नहीं। जैसे देखो इंडिया का देखो, ये अगर इंडिया को अगर ऐसे कर लेते हैं तो इधर कौन सा पड़ता है, अरबी सी पड़ता है कि नहीं। इधर क्या पड़ता है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ क्या पड़ेंगे इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो इसमें वाटर है, यस सर, शिप चलती है इसमें, चलते है कि नहीं। तो देखो इस वहां भी से ये जो रूट है तो इंडिया के बारे में बता दीजिए। ये फ्रांस की पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना बाबू। उसके उस वो फ्रांस से जो है ट्रेडिंग होता था दूसरे कंट्री में, कहाँ पर होता था दूसरे देश में, और सी के रूट से, सी समझते हैं कि नहीं सर, ओशियन समझते कि नहीं, उस रूट से होकर के ट्रेडिंग करते थे। कौन करते थे, न्यू मिडिल, समझ रहे कि नहीं। देखो सी हो गया, ओशियन हो गया, है ना। यस सर, इस रास्ते से होकर के सी के रास्ते से होकर के ओशियन के रास्ते से होकर के सागर महासागर इसको बोलते हैं। यस सर, इस रास्ते से होकर के ये लोग करते थे ट्रेड, ट्रेड क्या करते थे ट्रेड। तो देखो ज्यादा बेनिफिट किस में होने का चांस रखते हैं, ट्रेड में रखते हैं कि नहीं, क्योंकि बिजनेस जो ट्रेड होता है वो बहुत प्रॉफिट दिलाता है, क्या करता है बहुत प्रॉफिट दिलाता है। आप जितना ट्रेड आपका अच्छा रहेगा आपका प्रॉफिट उतना अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसको आप मानते हैं, मानते हैं कि नहीं। अब देख लीजिए जो लोग खेती करते हैं फार्मिंग करते हैं उनका इनकम, और जो बिजनेस करते हैं उनका इनकम, दोनों का इनकम एक जैसा है क्या? नो सर। तो ऐसा क्यों डिफरेंस क्यों दिखता है बाबू? बिजनेस में आप 10 का सामान 20 में भी बेच सकते हैं, yes. 100 का सामान 200 में भी बेच सकते हैं, yes. बेच सकते हैं कि नहीं, yes. तो इस मार्ग से ये देखो ये जो न्यू मिडिल क्लास है ना, ये जो न्यू मिडिल क्लास है तो सी और ओशियन के रूट से होकर के ट्रेडिंग करते थे, क्या करते थे ट्रेडिंग। तो जब ट्रेडिंग करते थे तो वो बेनिफिट बहुत ज्यादा कमाए, समझ रहे। अदर कंट्री से ट्रेडिंग करते थे, जैसे देखो ये हो गया वन कंट्री हो गया, ये क्या हो गया वन कंट्री, और ये क्या हो गया बाबू अदर कंट्री हो गया, क्या हो गया अदर कंट्री। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, वन कंट्री से जो ट्रेड होगा वो किस कंट्री में होगा, अदर कंट्री में होगा। तो यहाँ से एक कंट्री से ट्रेड जब दूसरे कंट्री में होगा तो गुड्स का एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे, क्या करेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्या करेंगे बाबू
यहाँ पे क्या करेंगे वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्या करेंगे एक्सपोर्ट, ईस्ट ट्रेड में क्या करेंगे वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्या करेंगे एक्सपोर्ट। पहला क्या हो गया ई एक्स पी ओ आर एक्सपोर्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया एक्सपोर्ट का मतलब हो गया अपने देश का जो गुड्स है सामान है उसको दूसरे देश में सेल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने कंट्री का जो गुड्स है वह सामान है उसको अगर आप दूसरे कंट्री में सेल कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, तो क्या करना है एक्सपोर्ट, समझ पाए। यस सर। अगर अदर कंट्री का दूसरे कंट्री का गुड्स है सामान है और अपने कंट्री में मंगा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं मंगवा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे इम्पोर्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्यात, क्या बोलते हैं निर्यात, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आयात, आयात। यस समझ रहे कि नहीं, अगर आप हिंदी में समझेंगे तो इसका नाम होता है, इसका मीनिंग क्या होता है निर्यात, निर्यात, और इसको हिंदी में समझेंगे तो इसका क्या बोलेंगे बाबू आयात। Yes, sir. जो गुड्स है उसको अदर कंट्री में सेल करते थे yes, और अदर कंट्री से जो गुड्स है वहाँ से परचेज करते थे, खरीदते थे, है ना, अदर कंट्री में सामान परचेज करेंगे, खरीदेंगे और फिर अपने कंट्री में सेल करेंगे, समझ पा रहे हैं yes, sir. तो इसको क्या कहेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, क्लियर है yes, sir. तो इसके चलते से ये प्रोस्पेरस बन गए, क्या बन गए न्यू मिडिल क्लास, क्या बन गए फ्रूट ऑफ अवर सी ट्रेड, क्लियर ना yes, अगर ये न्यू मिडिल क्लास ओवर सी ट्रेड नहीं करते तो रिच बन जाते क्या, नो सर, समझ में आया है yes, sir. ऐसे रिच बन गए हैं yes, sir. और ये सिचुएशन कब दिखा दिया बाबू, जब sort of 18th सेंचुरी में, कब दिखा दिया 18th सेंचुरी में, ये सिचुएशन को आप 18th सेंचुरी में इसका विटनेस समझ लो, है ना, ये साक्षी है 18th सेंचुरी yes, ये कब हो रहा था 18th सेंचुरी में, कब हो रहा था 18th सेंचुरी, ठीक है यहाँ तक क्लियर है यस सर। अब क्या देखेंगे एक्सपेंडिंग ओवरसी ट्रेड, ये जो ट्रेड इन लोग जो कर रहे थे न्यू मिडिल क्लास, ये ट्रेड जो है एक्सपेंड होता जा रहा था, क्या होता जा रहा था मतलब बढ़ता जा रहा था, ये क्या होता जा रहा था बढ़ता जा रहा, ये एक्सपेंडिंग होता जा रहा था, क्या होता जा रहा था मतलब फैलता जा रहा था yes, तो जितना एक्सपेंड करेगा ट्रेड उतना बेनिफिट ज्यादा बनेगा yes, उतना ये लोग जो न्यू मिडिल क्लास है yeah. उतना ये रिच बनेंगे, बनेंगे कि नहीं yes, प्रॉस्पेरस बनेंगे, क्लियर है yes. ये हो रहा था 18th सेंचुरी में, कहां पर फ्रांस में।